بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيدنا محمد الوجود سر الله في كل موجود نقطتي ظاهرات الوجود صاحب الهوائي الحقدي ومقام المحمود مولانا وقل سقدين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوم الحق سلاما اللهم صل على محمد وعلى محمد आप सबसे तमाम दिन और दुनिया में चाहे हजार को बढ़वाए तमाम परेशानियों को दूर कर पाए गुलाहों को माफ कर पाए और जितने आप सबसे परवरदिगार की बारगाह में पहुँचे और आपका यहाँ आना कबूल हो परवरदिगार आलम अब सबसे बेहतरीन अब में हमारी इजाफा फरमाए और हम सबसे बेहतरीन जजा अदा फरमाए इस सब आजा पर आने की और तौफीक के परवरदिगार जितने बीमार हैं वो सब भी यहाँ पर सेहतमंद होकर जल्द से जल्द पहुँचे और जो लोग आ रहे हैं परवरदिगार उनको सेहतमंद रखे हर वबा और बला से महफूज फरमा दुआए बकारा और अखलाक के उनवान से हम लोग चल रहे थे और आज जो इमाम का दुआया जुमला है वला मुजामाती मन तफर्रक़ात का वला मुफारक़ती मन इज्तमा इलैक कि परवरदिगार जो तुझसे दूर हो मैं उससे ना मिलूं और जो तेरे करीब हो मैं उससे दूर ना हूं। ठीक है जनी इमाम दुआ कर रहे हैं परवरदिगार आलम से कि वो लोग कि जो तुझसे दूर है तेरे जिक्र से दूर है तेरी इबादत से दूर है तुझसे काफिल है मैं भी उनसे दूरी इख्तियार करूँ उनके करीब ना रहूँ उनकी सोबत में ना बैठूँ। बाज़ोहात ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे लोगों की सोबत में ज़्यादा बैठ रहे होते हैं तो ये सोबत का असर होता है। आप ऐसे लोगों की सोबत में बैठ रहे होते हैं कि जो खुदा से दूर होते हैं खुदा से काफिल होते हैं और फिर किसी तरह आप भी गफलत में चले जाते हैं तो ये बात कर पा रहे हैं कि दुआ करो खुदा के बार बार जो परवरदिगारा मैं ऐसे लोगों से दूर रहूं उनकी सोबत में मैं ना बैठूं और दुआ ये कर रहे हैं कि परवरदिगारा मुझे उन लोगों से करीब कर मैं उन लोगों से दूरी बना के ना रखूं जो तेरे जिक्र में मशगूल रहते हैं जो तेरे करीब हैं जो तेरे गुर्बत में रहते हैं तेरी इबादत में रहते हैं। यानी इमाम यहाँ पर दूसरे अल्फाज में इल्तजा ये कर रहे हैं कि परवरदिगारा मेरा जो लाइफ स्टाइल है जो मेरा उठना बैठना है जो मेरी ज़िंदगी है जो मेरा खाना पीना है वो सब का सर जो है वो तेरे खाते में। यानी ये यहाँ पर ये बस याद रखें कि खुदा अगर ये चाहते हैं आप लोग तो खुदा आपसे मोहब्बत करे। ठीक है, हम सब दावा करते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुदा भी आपसे मोहब्बत करे तो उसके लिए शर्त यही है कि खुदा से करीब हो और खुदा से करीब आप उस वक्त होंगे कि जब आप उनके करीब होंगे जो बनते खुदा के करीब होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि खुदा बंदे आलम ने शर्त रखती है अपनी मोहब्बत की कि उससे करीब हो और कुछ बंदे बाकायदा उसने जो ऐसे खल्क किए हैं ये वही हस्तियाँ हैं कि जिनके दामन से आप लोग वाबस्ता हैं और जिनके सबसे अजा बड़ा पाते हैं। परवरदिगार आलम ने कुछ ऐसे बंदे खल्क किए हैं कि जो हमें
जिनको देख कर मोहब्बत खुदा पैदा हो सकती है, जिनका जिक्र सुन के मोहब्बत खुदा पैदा हो सकती है। और इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो जन्नत में जब पहुंचे तो अल्लाह उसका हमसाया था, ठीक है, अल्लाह भी हमसाया हो सकता था, ठीक है। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो आग से महफूज रहे, अल्लाह उसका हमसाया हो, तो वो अली से मोहब्बत करे, अली की विलायत को के नाम से याद किया जाता है, सूरह तौहीद, ठीक है, यानी सूरह तौहीद जो है वो सूरह अली इब्ने अबी तालिब है। और क्यों है? क्योंकि जब हजरत अली मदीने की गलियों से गुजरते थे तो बेख्तियार मदीने के लोग आपको देखकर उनकी जबानों पर सूरह तौहीद जारी हो जाता, सूरह इखलास जिसको कहा जाता है, यानी क्यों? क्योंकि इतना अपने आप को अल्लाह से करीब किया, इस कदर अपने वजूद से इजहार किया खुदा की सिफात का कि लोगों को बेख्तियार खुदा याद आता। तो जब खुदा याद आएगा तो उससे मोहब्बत भी होगी। तो इसीलिए कहा कि अगर कोई अल्लाह का हमसाया बनना चाहता है तो वो अली से मोहब्बत करे। और जब एक मरतबा इब्ने अब्बास ने पूछा था रसूल खुदा से कि क्या आग से गुजरने के लिए कोई सनद है, यानी कोई सिफारिश है, वो है हमारे पास, होनी चाहिए कि हम आग जो जंगलों की आग है उस पर से गुजर जाए, उसमें गिरे ना, ये खतरा भी है ना, वहां पर नीचे गिरने का खतरा है, पूरे सरात से अगर वो गिरेगा तो नीचे आग है। इसलिए तो कहा ना उसमें चलना कितना मुश्किल है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। तो कहा कि अली की मोहब्बत सनद है। तो पूछा कि सनद है कोई, कोई सिफारिश है कि उस जगह से हम गुजर जाए, कोई ऐसी चीज हो हमारे पास, दुनिया में भी तो हम सिफारिश ढूंढते हैं। तो कहा कि कोई सिफारिश है हमारे पास, कहा है वो अली की मोहब्बत है। तो अब आप देखिए हमारा जो मकाम है, जितना मोहब्बत करते चले जाएंगे मौलाए कायनात से, उनकी आज से, तो उतना ही मकाम में बुलंद होता चला जाएगा। और रसूल खुदा फरमाते हैं कि खुदा ने चौथा आसमान पे एक लाख फरिश्ते। अब आपने याद रखना है, मैं बोल जाऊँ तो आप बताएंगे कि कौन से आसमान पे कितने फरिश्ते। चौथे आसमान पे 1 लाख, पांचवें आसमान पे 30 लाख, सातवें आसमान पे 1 फरिश्ते। खुदा ने ऐसे खल किए, ऐसे फरिश्ते, ऐसे अजीब फरिश्ते खल किए हैं खुदा बंदे आलम ने। चौथे आसमान पे कितने? 1 लाख, और पांचवें आसमान पे 30 लाख, और सातवें आसमान पे 1 फरिश्ता कि जिनके सर अर्श के नीचे है और पैर जमीन के नीचे थे। अच्छे खुदा, समझ रहे ना आप लोग, सर उनके अर्श खुदा के नीचे है, पैर उनके जमीन के नीचे, ये ऐसे अजीब खलकत के मखमल के ये फरिश्ते। और खुदा ने फरमाया कि इतनी तादाद में फरिश्ते खल किए हैं कि जो अरब के दो कबीले थे, अरब के दो कबीले के जिनके नाम थे रबिया और मजर, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो उस वक्त अरबों को समझाने के लिए कहा गया कि इतने फरिश्ते हैं कि उनसे ज्यादा है, और उनका खाना पीना क्या है? उनका खाना पीना जो है वो फकत दुरूद और अस्तगफार। दुरूद वो किस पे भेज रहे हैं? अली और उनके शियों पर। क्या आप लोगों ने अपने फजाइल छिन के दुरूद पढ़ पढ़ इससे बेहतर दुरूद पढ़ना। हम लोग यकीन की मंजिल पर नहीं होते,
मुझे नजर आ रहा था कि लोग यकीनी की कैफियत में, पता नहीं शायद हमारे माहौल का असर है, हमारे दिलों के अंदर यकीन नहीं होता था। तो ये फजीलत है, ये मकाम है। और जो फरिश्ते जो अस्तगफार कर रहे हैं उनका खाना पीना ही यही है, उन्हें भूख प्यास लगती है। अब हमें नहीं पता कि फरिश्तों की भूख और प्यास कैसी थी, हम नहीं जानते, हमारे जैसी तो नहीं है, लेकिन उनकी भी कोई तकाजे होंगे ना। हर मखलूक जो खुदा ने खल्क किया कुछ ना कुछ तकाजे रखती है, सबके अलग अलग तकाजे हैं। तो अब ये सवाल ना आ जाए जहन में कि वो तो फरिश्ते हैं, वो खाना पीना कैसे करते होंगे। तो जो भी उनकी ज़रूरत है वो दुरूद और अस्तगफार के जरिए से पूरा कर रहे हैं, वो दुरूद भी आपको पहुँच रहा है, अस्तगफार भी अली के गुनाहगार शिवों को पहुँच रहा है। तो ये आपका मकाम है। और खुद एक जन्नत ऐसी पैदा की है, रसूल खुदा फरमाते हैं जन्नत अदन जिसको कहा जाता है, मुख्तलिफ जन्नतें जन्नत अदन। अल्लाह ताला ने उसे पैदा करने के बाद फरमाया कि अपने आप को मुजयन कर, अपने आप को सजा आरास्ता कर, जीनत दी। जब उसने अपने आप को जीनत दी तो वो गरूर करने लगे। तो परवरदिगार ने फरमाया कि गरूर मत कर, आराम कर, तुझे मैंने मोमिनों के लिए खल्क किया है, कुछ लोगों के लिए मैंने तुझे खल्क किया है कि जब वो लोग तेरे अंदर रहने के लिए आएंगे तो वो भी नाज करेंगे, वो भी खुशकिस्मत होंगे और तुम भी उन पर नाज करेंगे। और वो कौन होंगे? कहा या अली वो तुम और तुम्हारे शिया। इसी रसूल खुदा ने फरमाया कि जो उससे मुसाफा करता है वो ऐसा जैसे जो अली से मुसाफा करता है, ऐसे जैसे उसने मुझसे मुसाफा, यानी हाथ मिलाया। और जिसने मुझसे हाथ मिलाया उसने अर्श के जितने अराकीन हैं, अर्श के जितने भी पार्लियामेंट है खुदावंद आजम की, का उससे हाथ मिलाया, यानी कितना बड़ा मकाम बन जाता है। जो उससे गले मिला, जो अली से गले मिला वो ऐसा जैसे मुझसे गले मिला, और जो मुझसे गले मिला वो ऐसा जैसे अम्बिया से गले मिला। तो आप देखें जब हम आपस में, अब तो हम कोविड की वजह से हाथ नहीं मिला पा रहे ना गले मिल पा रहे, लेकिन जब हम हाथ मिलाकर एक मोमिन दूसरे मोमिन से तो उस वक्त ही हमारे गुनाह माफ हो जाते। और अगर दिलों के अंदर मोहब्बत हो तो वो फिर और ज्यादा, हमें नहीं पता क्या मिलता, ये हमें अभी नहीं पता कि उस मोहब्बत, जो मोहब्बत पैदा होती है ना, मोहब्बत भी खुद एक अमल है कि जो मुजस्सा होगा। अब जब वो मुजस्सम होगी मोहब्बत तो कितनी खूबसूरत होगी, अभी हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। दुरूद पढ़ लीजिए बाबा सल्लल्लाहु। और इसीलिए हमारे आठवें इमाम बाबा अली रज़ा अलैहिस्सलाम, आप नकल करते हैं अपने जज रसूल खुदा से, जब उन्होंने फरमाया कि विलायत अली के किले की तरफ से, और जो इसमें दाखिल हो गया वो महफूज हो। तो आप देखिए जब तो हम कितनी बलाओं और कितनी चीज़ों से महफूज रहते हैं। हदीस मेराज जो हमारे पास है ना, जब मेराज के रसूल खुदा गए थे तो वो बहुत लंबी हदीस है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वक्ता फवक्ता आप मेंबर से सुनते हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने रसूल खुदा को ये कहा था कि ऐ मेरे हबीब, अगर कोई शख्स जो है वो मेरी खातिर दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है, किसी से नफरत करता है, अपने रिश्ते मेरी खातिर बना रहा है, ताल्लुक अगर किसी से तोड़ रहा है तो मेरी वजह से तोड़ रहा है, अपना उठना बैठना जीना मरना खाना पीना सब मेरी खातिर कर रहा है, तो मैं अपने ऊपर उसकी मोहब्बत को वाजिब कर देता हूँ, यानी मुझ पर वाजिब हो जाता है कि मैं ऐसे शख्स से मोहब्बत करूँ। और जब हजरत मूसा से पूछा था खुदा ने कि मेरे खातिर क्या किया बताओ, तो हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार मैं तो सब कुछ तेरी खातिर ही कर रहा हूँ, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ, जो मैं रोज़ा रख रहा हूँ, जो मैं सदका दे रहा हूँ, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो खुदा ने कहा कि नमाज तो
तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, मेरे खातिर थोड़ी पढ़ रहे हो। नमाज तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाने का रास्ता है। नमाज एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया का भी रास्ता और जन्नत का। ये दुनिया में भी जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाता है, अगर आप भटकने लगे, अगर आप नमाजी हैं तो भटक नहीं सकते। नमाज आपको उस रास्ते पर ले आएगी कि जो रास्ता सिरात मुस्तकीम कहलाता है, और जन्नत में तो जाहिर है कि जन्नत का रास्ता तो है ही। तो खुदा ने कहा कि मूसा नमाज तो तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, कहा परवरदिगार मूसा का रोजा भी अपने लिए रख रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम रोजा रख रहे हो, और ये रोजा जो कि एक शील्ड की तरह से है, एक ऐसी सिपर है, एक ऐसी चीज है कि जो तुम्हें जंगलों की हरारत से, वहां पर आग ही आग होगी, जब वहां महशर का मैदान होगा, जब हम कब्रों से निकल के जाएंगे महशर के मैदान तक, तो वो रास्ता आसान नहीं है। हमें नहीं पता कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के अजाब है, आग है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर है, हमें नहीं पता कि उसमें किस किस किस्म की चीज़ें हैं। तो उन सबसे बचना, खास तौर पर जो चीज़ जिससे बचना, वो हरारत है वहाँ की, आग, यानी धूप बहुत सख्त होगी, हरारत, तपिश जो है वो इतनी सख्त होगी कि जो जहन्नुम में जाने वाले लोग होंगे वो कहेंगे पालने वाले हमें जहन्नुम में भेज दे, हमसे ये तपिश बर्दाश्त नहीं होगी। इतनी सख्त तपिश होगी, प्यास इतनी सख्त होगी कि जिस तरह आपने देखा होगा कि कुत्ता जब ज़्यादा प्यासा होता है किस तरह हाथ तक जबान बाहर आ जाती, वही मिसाल दी है कि जबान बाहर आ जाएगी और इंसान जो है वो दोनों हाथों दोनों पैरों से चले जाए। खुदा ना करे कि हमारी कैफियत नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन हमें अपना पूरा यकीन रखना चाहिए कि इंशाल्लाह ये हमारी कैफियत नहीं होगी, और हमें लेकिन अपने जहन में इस चीज़ को रखना चाहिए, डरना जरूर चाहिए, खौफ रखना चाहिए, ताकि हम आगे ऐसे कोई काम ना करें कि खुदा ना करे कि कोई इस कंडीशन से गुजरे। जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, हमारे पास दरअसल बहुत सारे हमें चांस मिल जाते हैं, बहुत सारे मौके मिल जाते हैं हमारे गुना माफ़ होने के। जैसे मैंने आपको कहा, जब हम हाथ मिला लेते हैं और एक दूसरे को मोहब्बत से देते हैं, उसमें भी हमारे गुना माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ जमा किस लिए हुए, हमारे अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं है, जिन हस्तियों के नाम पर जमा हो रहे हैं ना, बस वो काम कर जाता है। ठीक है, ये जो हमारी जिंदगी के अंदर फर्शी आजाद है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर ये ना हो तो खुद सोच के जरा देखें कभी तसव्वुर करें कि हमारी जिंदगी खाली है। अगर इमाम हुसैन का वास्ता हमारी जिंदगी में ना हो तो क्या है हमारी जिंदगी, खाली है। आप अपने ईमान से बताएं, क्या आपकी लाइफ में, जिंदगी में कोई दिन ऐसा गुजरता है जब आप हुसैन याद न करें? कोई बता सकता ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई भी ऐसी नमाज, या कोई भी जिस वक्त आप पानी पी रहे हो, कोई वक्त हमारा ऐसा नहीं गुजरता कि जब हमें हुसैन याद आता है, तो जैसे ही हमें इमाम याद आते हैं हमारी आंखें दम होती हैं, हमारे दिल नरम हो जाते हैं, हमारे दिलों के अंदर जगह बन जाती है। जैसे ही दिल नरम होता है हमारा रास्ता खुदा से हो जाता है, और जिसका रास्ता खुदा से हो जाए उसके गुनाह भी कैसे नहीं बख्श होते, उसके गुनाह खुदा कहता है जितने भी होंगे वो बख्श किए जाएंगे। तो वो जो रोज़ है नफ्सा नफ्सी का जो आलम है, खुदा ना करे वो हमारे लिए नहीं है। तो अब यहाँ पर हजरत मूसा से खुदा कह रहा है कि रोज़ा तो तुम अपने लिए रख रहे हो, क्योंकि रोज़ा जो है ये आपके अंदर से नारी सिफात को ख़त्म करता है। नारी सिफात नार आग को कहते हैं ना, जो आग वाली सिफात है ना हमारे अंदर, जैसे नारी सिफात गुस्सा बनाता है, गुस्सा गुस्से को कहा गया नारी सिफात, इंसान आग बगोला हो जाता है, अंदर उसके आग जल जाती है। अब वो हमें नज़र तो नहीं आ रही, देखा नहीं आपने, जैसे इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसके गाल जो है वो सुर्ख हो जाते हैं, उसका जैसे गर्म हो जाता है, क्योंकि अंतर को अपने आग जला लेता है। तो रोज़ा क्या करता है, वो नारी सिफात को दुनिया में भी ख़त्म कर रहा है, और आखरत में वहाँ की जो आग है, वहाँ की जो हरारत है, जो बहुत शदीद है, बहुत
बहुत शत्रु थे उससे वो महफूस करता है। हाशिम हद्दाद एक आरिफ थे और लोहार भी थे और एक बड़े मुश्तक थे, उनके वो शागिर्द थे, लेकिन वो काम लोहार का करते थे, बहुत मुत्तकी परहेज़गार। और एक बार जब वो बनाते थे घोड़े के नाल, घोड़े के सुमो में जो लोहे की चीज़ एक राउंड सी होती है वो लगती है, उसको घोड़े का नाल कहा जाता है, वो बनाते थे और उसको आग के अंदर तपाया जाता था। तो एक दिन उनका जो चिमटा था जिससे वो उठाते थे उसको आग में से, वो आग नहीं गई थी, तो उन्होंने आग पे हाथ डाल के उसे उठा लिया। जो शागिर्द उनके बैठे हुए थे वो चीखे मार गए, यानी इतनी तेज आग थी, लेकिन उनका हाथ नहीं जल रहा। तो उनके जो उस्ताद थे उन्होंने उनसे जब वजह पूछी तो उन्होंने कहा उनके रोज़े बहुत रखते थे, रोज़े बहुत रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर से जो आग की सिफात, वो चीज़ के जो आग जिसको पकड़ ले वो ख़त्म हो, इनके जिस्म पे हरारत का असर नहीं। यानी दुनिया में भी दिखाया खुदा ने कि अगर कोई रोज़े रख रहा है तो उसके अंदर से नारी सिफात जो है वो खत्म हो जाता है। फिर जनाब मूसा ने कहा कि परवरदिगार मैं तेरा जिक्र करता हूँ, ताकि भी तुम्हारे लिए जिक्र जो हम कर रहे हैं खुदा का जिक्र तमाम मखलूकात कर रहे हैं, खुदा मोहताज नहीं है। कितने फरिश्ते उसका जिक्र कर रहे हैं, चने परिंद उसका जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ आप ही थोड़ी कर रहे हैं। कहा मूसा के जिक्र तो तुम्हारी जिंदगी को चमकाने के लिए है, तुम्हारे अंदर नूर भरने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों के लिए बरकत के लिए है। तो कहा कि परवरदिगार तू ही बता दे कि तेरी खातिर क्या करें, तुझे कौन सा अमल पसंद है। तो कहा कि मेरी खातिर मोहब्बत, मेरी खातिर नफरत। ये बताओ कि कभी तुमने मेरी खातिर किसी से मोहब्बत की, मेरी खातिर तुमने किसी से ताल्लुक तोड़ा है, किसी से ताल्लुक जोड़ा है तुमने मेरी खातिर, तो आसान नहीं होता। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आप सब जानते हैं, तो एक बार वो अपने ग्रोह थे उनके पास लोगों के पांच ग्रोह के साथ रसूल खुदा की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि या रसूल खुदा हम लोग बहुत गुरबत में हैं, यानी इतने हम इस वक्त गुरबत में हैं कि हम पत्ते खा रहे और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, पानी पी रहे हैं, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन या रसूल खुदा हमारी ये हालत कब तक रहेगी, क्योंकि इस्लाम आने के बाद कुफार ने वाइपआउट किया और ज़िंदगी वहाँ पर अजीरन हो गई और उन लोगों से ताल्लुक तोड़ लिया। इस्लाम का जो शुरू का टाइम था जिस वक्त जनाब खदीजा ने अपनी दौलत कुर्बान की थी वो बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद वगैरह जब आए और आकर इन्होंने रसूल खुदा से ये फरमाया तो आपने फरमाया कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारी ये हालत जो है वो बदलने वाली नहीं है, क्या ऐसे ही रहो, ऐसे ही शुक्र करो, क्योंकि मैंने दीगर आसमानी किताबों और कुरान में ये पढ़ा है कि साबिरीन ही जन्नत में जाएंगे। तो कहा सब्र करो, यानी क्या मतलब कि आज जिस मकतब में बैठे हैं इसमें जो पहली चीज है जो यहाँ पर वो सब्र है। देखो ना आपने कितने कितने मौकों पर हमें सब्र करना पड़ता है, जब हम घर से निकल जाते हैं मजलिस के लिए, हम निकलते हैं घर से तो या ज़ियारात पर जाते हैं तो सब्र करना पड़ता है कितने मकाम पर, ये तो छोटे सब्र हैं, खुदा ना करे लेकिन कोई भूखा तो नहीं होता, कोई प्यासा तो नहीं होता। तो कहा साबिरीन के लिए जन्नत है, दुरूद पढ़ लीजिए। शब आशूर जो हकीकत में हम उसका हक नहीं अदा कर सकते, यानी इस कदर मार्फत वाली रात है, इस कदर इसके अंदर रात के अंदर राज पोषित है, इस रात के अंदर जब इसका जो मकाम है वो शब कदर के बराबर बताया गया, बल्कि बाज मकामात पर उससे अफजल हो जाता है ये रात। अगर कोई हकीकत में कोशिश करे इस रात के जो राज हैं उनको समझने की, ये खाली रसूमात अदा करने की रात नहीं है,
कि आपने चंद अमाल किए, चंद बजा लिए, इसलिए आपने अमाल किए, अमाल बजा लाने वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हम लोग बतौर प्रश्न वो अमाल बजा लाते, ठीक है, उसका हक नहीं अदा कर पाता। इस रात का वक्त सिर्फ दो हस्तियों ने अदा किया, एक जनाब सैजद और एक सैजद सैजद, सिर्फ दो हस्तियों। अब देखिए ये जो रात है दर हकीकत, ये रात बहुत अहम थी मामूसन सलाम, क्योंकि इस रात में शब आशूर इमाम हुसैन को अमीन चाचा था, जो ये अमानतें उनके पास हैं वो उनसे ले गई, ठीक है। लेकिन इमाम खुदा का जो बनाया हुआ नुमाइंदा होता है उसके पास अमानतें बहुत होती हैं, विलायत नाम ही इसी चीज़ का है। जब आप विलायत का इकरार करते हैं तो इसका मतलब बहुत गहराई में जाता है, विलायत का जो मफहूम है वो भी हमारे सामने बहुत सामने की चीज़ें हैं, हम उसकी गहराई जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। और बाकायदा उलमाए कराम जो उरफा उलमा होते हैं, जो इन चीज़ों पे काम करते हैं, वो आवाम को बस उतनी ही बात बताई जाती है जितनी उनकी समझ होती है, जितना समझ का लेवल होता है उतना ही बताया जाता है। तो विलायत नाम है अमानतों के उठाने का, जिम्मेदारियों के उठाने का। विलायत खाली ये नहीं है कि आपने कलमा पढ़ दिया, आपने ऐलान कर दिया कि मैं अली कहती हूँ, मैं अब जब तुमने अली वलीबला कहा है, तुमने इकरार किया है, तो अब तुम जिम्मेदारी भी उठाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शबे आशूर दर हकीकत लोग चाहते थे कि जो अमीन हो, जो जिम्मेदारी को उठा सके, विलायत का जो बार है बहुत भारी का, उसको उठा सके। हर मासूम को अमीन चाहिए होते, किसी भी मासूम को हावी नहीं चाहिए होते, मासूमीन को हिमायत करने वाले नहीं चाहिए होते। हम सब जो लोग हैं हामी हैं, हिमायत करने वाले मासूम को कौन चाहिए? हावी, उठाने वाला, हवल करने वाला, बोझ उठाने वाला, जिम्मेदारी उठाने वाला। हम सब लोग कौन है? हामी है, सिर्फ तरफदार, हिमायत करने वाला। अगर हमें हामी बनना है तो हमें अगले स्टेप पे आना पड़ेगा और खुद इमाम हुसैन से पूछना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या हुक्म है, हमें आप कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। अब देखिए हामी जो होता है वो जो मजलिस पे आता है या मजलिस अपने घर पे करवाता है, अब वो कहता है कि आप मजलिस बाजुहात कहते हैं, ऐसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं कि मजलिस हम करवा रहे हैं, मकसद ये कि फलों को शिफा हो, होता है सर, ठीक है। या हम मजालिस में रोने के बाद अपना मकसद पेश कर देते, मोस्टली यही हो रहा है कि मजलिस होती है और मजलिस के बाद हम अपनी दुआ, अपना मकसद पेश कर देते हैं और हम मौला से कहते हैं कि हमारा ये मामला है कि आसान हो जाए। ये हामी है जो अपना मकसद पेश कर रहा है, हिमायत करने वाला, कि जो रो रहा है, गिरिया कर रहा है, उसने मातम किया, उसने गिरिया किया, उसने मजलिस बर्पा की, लेकिन आखिर में उसने अपना मकसद पेश किया। लेकिन हामी कौन है कि उसने मजलिस की, उसने मातम किया और आखिर में वो इमाम से पूछता है कि मेरे लिए क्या हुआ, ठीक है। हमल करने वाला, उठाने वाला इमाम हुसैन को रोजे आशूर हिमायतें नहीं चाहिए थे, यही वजह है कि आप 28 रजब से चले थे, हिमायत करने वाले बहुत थे लेकिन हामी कोई नहीं मिल रहा, और वो सिर्फ 72 थे कि जो हामिले बिलाया थे, कि जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा बताएं हमारे लिए क्या हुआ। अगर हमें 70 बार भी मार दिया जाए, देखिए कितने मैंने आपको वाकयात भी सुनाए कि जो लोग मिले और उन्होंने कहा कि हुसैन आप इतने साहिब बरकत हैं, इतने साहिब करामत हैं, हमारा ये मसला, हमें ये दुआ कर दीजिए, आप लोग कर दो,
जो आप मांगे वो दे दे, दे। लेकिन जो मांगता है वो देते हैं, लेकिन वो उनके लश्कर में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो उस अमानत को ना उठाए जो वो इमाम दे रहा है। इस वक्त इमाम जमाना क्यों है बन गए क्योंकि कोई हामिले अमानत नहीं, कोई भी अमानत उठाने के लिए तैयार नहीं। इतने लश्कर पे लश्कर जो होंगे लेकिन इतने माशाल्लाह आजाद आ जाते, और यही हसरत हजरत अली को थी। हजरत अली के सामने 60,000 फौजी बैठे थे, 60,000, और आपने बाकायदा सीने पे हाथ मारा था कि हसरत कि ये सब हिमायती हैं, इनमें कोई भी इमामत का हवल करने वाला, इमामत के बोझ को उठाने वाला इनमें कोई नहीं है। आज आजादारी और आजादार इतनी मुश्किल में क्यों, क्यों हम जुलूस को निकलते हुए सोच रहे हैं धमाका हो भी गया, देखा क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों एक शिया इतना कमजोर है कि उसको हुकूमत की जरूरत है, फौज की जरूरत है, क्यों हम इतने कमजोर हैं? क्योंकि हमने अमानत हमारे नहीं दी। अगर हम अमानत उठाने वालों में से होते तो आज हमारा अंदाज कुछ और होता, ये आजादारी का अंदाज कुछ और होता, लोग हमसे मदद मांग रहे होते ना कि हम लोगों से मदद मांगने के लिए। जब हम सड़कों पे निकलते हैं तो दो घरों में होते हैं हमारे खौफ। अगर हमने उस अमानत को जो इमाम हुसैन दे रहे थे शबे आशूर उसे उठा लिया, कितनी बड़ी बात है। रस्म अदा करना जो है वो, और हम सिर्फ जो है वो रस्मों के पाबंद हैं, और बड़ी शिद्दत से बात जगहों पर बड़ी अच्छे तरीके से अपनी तरफ से वो रस्में अदा करने में लगे हुए हैं। बुजुर्ग जो है वो अपने नौजवानों को ताकीद कर रहे हैं कि ये रस्म इसी तरह करो जैसे हमारे पीछे से बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं, जबकि उन्हें कहना ये चाहिए कि हर दौर में आजादारी का नया तकाजा होगा, इसको उस तकाजे के मुताबिक करना जो इमाम तुम्हारा चाहिए। हर दौर में आजादारी का जो पैटर्न है वो बदलेगा। आज हम उस तरीके पे नहीं है जैसे 100 साल पहले आजादारी हमारे अजदाद कर रहे थे, जो चीजें वो बयान कर रहे थे आज हम उसके ऊपर नहीं है। तो इमाम हुसैन का हम क्या है दर हकीकत ये हमें में से कोई नहीं समझ सका। गमे हुसैन क्या था, हम सबसे बड़ा गम बताते हैं हजरत अली अकबर की शहादत। हमसे कोई पूछे कहते हैं हजरत अब्बास के बारे में, हमसे कोई पूछे हम कहते हैं हजरत अली असमत प्यास, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि इमाम हुसैन का गम दर हकीकत क्या था। और वो गमे हुसैन ये था कि इमाम फरमा रहे थे कि जिस जगह यजीद बैठा है उस जगह मुझे होना चाहिए, यानी खुदा के नुमाइंदे को उस जगह पर होना चाहिए जहां ताबूत का नुमाइंदा बैठा हुआ है, कि मैं मौजूद हूं। इमाम फरमा रहे कि मैं मौजूद हूं, लेकिन उसके बावजूद यजीद उस हुकूमत में बैठा हुआ है जो तरक्की पर खुदा का नुमाइंदा जहाँ पर होना चाहिए, और सारी दुनिया इमाम को मशवरे दे रही थी, सारी दुनिया मशवरे दे रही थी। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले वो लोग कह रहे थे हुसैन आप मदीने से ना निकले बाहर खतरा है, कि जब मक्के से निकलने लगे तो आप मदीने से ना निकले बाहर खतरा है, कुछ कह रहे थे आप यमन चले जाए बाहर खतरा है, कुछ कह रहे थे आप फलन जगह चले जाए बाहर खतरा है। लेकिन जो खुदा का नुमाइंदा होता है वो ये नहीं देखता कि खतरा कहाँ है, वो देखता है कि इस वक्त मेरी जिम्मेदारी क्या है, इस वक्त मुझे किस जगह पर होना चाहिए, मुझे उस जगह पर होना चाहिए जहाँ खुदा मुझे देखना चाहता है। तो शबे आशूर जनाबे ज़ैनब को थी कि जिन्होंने उन अमानतों को अमल किया,
उठाया और शबे आशूर जब जनाबे ज़ैनब बेहोश थे, बस एक ही मौका था और इमाम आए और बीबी के सर को आगोश में रखा और उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने कहा कि भैया कल क्या होगा, कल जुदाई, कहाँ कल जुदाई है? तो कहा ज़ैनब अगर आप इस तरह पे होती रहेंगी तो वो अमानत जो आपने उठाई है, जिसको आपने अमल किया है, वो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर पाए। और फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ कि बीबी ने इसी तरीके से उस जिम्मेदारी को, उस अमानत को हमल किया, उसको उठाया कि उसके बाद बेहोश नहीं हुई। हम तारीखों में रवायतों में पढ़ते हैं ये पहला मौका था जो बेहोश हुई। उसके बाद जब बेहोश हुई तो मां की कब्र पर जाकर बेहोश हुई। और तारीख बताती है जैसे जैसे मसाइल बढ़ते जा रहे थे, जनाब ज़ैनब के अंदर शुजात बढ़ती चली जा रही थी, जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि इतनी दिलेर हो गई जनाब ज़ैनब कि शाम गरीबा जब जलते हुए खेमे थे और ये देखा कि हर बीबी एक खेमे से निकल के दूसरे खेमे में जा रही है और देखा कि एक खेमे में बीमार जल रहा है, बीमार का खेमा चल रहा है, इतनी ताकत जनाब ज़ैनब के अंदर आ गई कि जलते हुए खेमे में दाखिल हुई और बीमार को पुश्त पे ले गई। ये होता है अमानत को हमल करना, अमानत को उठाना। और फिर इतनी शुजा हुई कि वो हुसैन का काफिला जो बीबी और बच्चों का रह गया था वो शामिल गरीबों में बिखर चुका था बहुत बुरी तरीके से। बच्चे चिल्ला कर रो रहे थे, बीबियाँ बहुत सहमी हुई थी। आसान नहीं होता था, घोड़ों पे अशिया, घोड़ों की टाकों की आवाज़ें एक खतरनाक सूरत हाल होती है। ये आसान नहीं होता, तलवारों की आवाज़ें, नेज़ों की आवाज़ें, बीबी और बच्चों के लिए ये आसान नहीं होता। बच्चे कुछ सहन के अगर कहीं जाके छुपे तो वो घोड़ों की टाकों के नीचे आ जाए। कितने बच्चे ऐसे थे जो शामिल गरीबों में शहीद हुए, जिनको जनाब ज़ैनब को पे कुलसुम उठा उठा के लाई। कोई मर्द नहीं है, दोनों बहनें बच्चों को ढूंढ रही हैं। एक तरफ खेमे जल गए, एक तरफ जले हुए खेमों की आग है, एक तरफ बीमार है, एक तरफ घर के अजीज हैं जो सर कटाए पड़े हुए, करबला खून ही खून है, और दूसरी तरफ ये दोनों बहनें देखिए रहना शुजात के साथ एक मरतबा जनाब ज़ैनब नेज़ा एक टूटा हुआ हाथ में लेती है, बीबियों को जमा करती है और कहती है कि बीबियों घबराना मत, अगर आज अब्बास नहीं तो ज़ैनब तो फिर, अगर कासिम नहीं अली अकबर नहीं तो ज़ैनब तो है। किस तरीके से मेरी शहजादी जो है वो देखिए चल रही है। तो यहाँ जनाब ज़ैनब हामिले हुसैन, इमाम हुसैन का गम इस तरह से उठाया बीबी ने कि अपना गम भूल गई, भूल गई कि मेरे भी बच्चे कुर्बान हो गए, कहा मैंने अपने बच्चा सदके के लिए, इमाम हुसैन के बच्चों का, अपने बच्चों का गम नहीं मनाया, लेकिन जब अली अकबर घोड़े से गिरे तो किस तरह से रोती हुई मैदान में पहुंची। तो रानी हुसैन शबे आशूर इमाम हुसैन अमानतें दे रहे थे, वो अमानत जनाब ज़ैनब ने दी। हुसैन पूछ रहे थे कौन है जो हरमे रसूल का दिफा करेगा, जनाब ज़ैनब ने कहा मैं हरमे रसूल का दिफा करूँगी, मैं हरमे रसूल की हिफाजत करूँगी, हमारा सलाम हो जनाब ज़ैनब, इस तरह हरमे रसूल का दिफा किया। करबला से शाम तक मेरी बीवी इमाम हुसैन को संभाले हुए थी,
सैयद सज्जाद को संभाले हुए थे। अजादारों 58 लाशें देखना आसान नहीं होता। आपको पता है बनी हाशिम के 58 लाशें थे, अबू तालिब के 4 बेटों की औलादे शहीद हुई है करबला में, 58 लाशें। और कैसे कैसे लाशें, कैसे कैसे लाशें, सर पुरीदा लाशें, आसान है देखना खवातीन के। किसी लाशे के पास उठते हुए, किसी लाशे के तीर लगा, किसी लाशे सब टुकड़े हुए, और हजारों ऐसे ऐसे लाशे और सर पर चा जाते। जितने इतने लाशे देखे हो, और उसके बाद वो जनाब जैनुल आबिदीन के खेमे में जाकर मेरी बीवी कहती है कि सैयद सज्जाद खेमे में आग लग गई है, बताओ चलकर घर जाए या बाहर निकल जाए। कब खुबी अम्मा आप सब पर वाजिब है कि आप बाहर निकल जाए। अदादारा ने मुझसे जिसने इतने लाशें देखे थे, आप बताइए 11 को अपने भाई के लाशों से छोड़ कर वो कब से गई हो, किस तरह भाई के लाशों को छोड़ा होगा, किस तरह अलविदा किया होगा, बेगोल कपन लहरा का लाल। अदादारों आज ऐसे ना बैठना, अगर दरिया ना कर सको तो मातम करते रहो। आज तुम्हारे मौला का सोया है, तुम्हें पता है ना कि सोया का जो दिन होता है वो बड़ा हसास दिन होता है, किसी भी मरहूमीन के लवाहतीन के लिए बड़ा हसास दिन होता है। ये वो करबला के शहीद थे जिनका सोया वैसा हुआ कि पानी का एक कूजा तक न था फातिहा में, रोटी का एक टुकड़ा तक न था कि फातिहा में रखते, यहाँ तक के बहनों के हाथ भी खुले हुए नहीं थे कि फातिहा के लिए हाथ उठा ले। किस दिल से जनाबे ज़ैनब ने बेगौर और कफर बादशाह अपने भाई का छोड़ा होगा। अजादारा ने हुसैन जब आज का दिन नमूदार हुआ था, कौम बनी असर की खवातीन ने अपने मर्दों की गैरत को ललका और एक मरतबा कहा कि वाय हो तुम पर, अरे हुसैन ने तुम्हें कहा था कि अगर हमें कफन न करके जाए तो तुम हमें कफन कर देना, कल मैं तुम्हारी चूड़ियां तुम पहन लो, हम जा रहे हैं इन्हें दफन करने के लिए। अब बनी असर के जो मर्द थे वो भी अपनी खवातीन के साथ आए, लेकिन अजादारों में खड़े सोच रहे थे कि इन लाशों में इमाम हुसैन का लाशा कौन सा है, कैसे पहचाने हुसैन की लाशा की पहचान कैसे हो, कि नागा का जमीन करबला में सलसला हुआ, जमीन करबला रोशन हो गई और एक दूर से सवार आता हुआ दिखाई दिया। जब वो सवार करीब आया, कौमे बनी असर ने क्या देखा, एक सवार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, गले में तो कफारदार है, पैरों में पेड़ियां हैं, गिरे बाद फटा हुआ है, अमामा सर पर नहीं है। एक मरतबा जैसे ही वो सवार आया, पहले आकर सर पुरीदा लाशें पर गिर पड़ा। एक लाशा जो नशेर में था, वो नौजवान हाय बाबा कहकर उस लाशे पर गिर पड़ा। पहले तो सारे पढ़िए अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमतुज़ ज़हरा। और फिर उसके बाद कहा, बाबा जब से आप सिलसिला हुए हम जिंदे मिले थे, बाबा आपके बाद हमें पर क्या क्या कयामत गुजर चुके। अल्लाह ने बनी असर से जब इमाम को देखा, इमाम ने अपना तारुफ करवाया, अरे अली बिन हुसैन हूँ, मैं मौजज़े से आया हूँ, मैं अपने बाबा को दफन करने के लिए आया हूँ। बनी असर पाया नस्ल को से लेने लगे। एक मरतबा कहा, मौला आपके बाबा का लाशा का ये नशे में मेरे बाबा का लाशा है, कहा आओ मैं तुम्हें बताऊँ किसको कहाँ दफन करता है, कहा यहाँ हबीब की कब्र बनेगी। मतलब करते हुए हजारों ऐसे जिलाज तुम्हारी आवाज जरूर पहुंचे जनाब जैनब के बारे में। जनाब जैनब का दिन है आज, आज का दिन जनाब जैनब का दिन है। अब ये जो जमाना शुरू हो रहा है, अब अब इमाम हुसैन का दिन चल रहा है, अब जनाब जैनब का शुरू शुरू हो चुका है। आज से फुर्सा जनाब जैनब की खिदमत में पहुंचेगा, आपकी आवाजें जरूर पहुंच रही चल रही है। एक मरतबा कहा, आओ मैं तुम्हें बताऊं किसकी कब्र कहां बनेगी।
क्या हबीब इब्ने मजाहिर के कब्र बने, लाशों के टुकड़े हैं मौला क्या करें, कब्र नहीं बनेगी शहीद का खोदा जाए। अब मेरा पौधा एक नशे पे उतरा, ये मेरे पापा का लाशा है, मौला आपके पापा का लाशा टुकड़े टुकड़े कैसे हो गया। मेरे पौधा ने पाया अरे शाम गरीबों में मेरे मामा के लाशे पा खोड़े गए, मेरे पापा का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया। कैसे लाशा उठेगा, हम एक तरफ से उठाते हैं दूसरी तरफ से निकल जाता है। इमाम ने अपनी अबा बिछाई, लाश टुकड़ों को समेटा, एक ट्री सी बनाई, कब्र में उतारने लगे कि कब्र पर चादर दूर कर गई, दो हाथ कब्र से बुलंद हुए, आवाज पाते वो आई अरे तुम्हारी आवाजें आज पहुंचे। हजरत अली आए थे ना जैसे ही जनाब जब चकली साहब खड़ी थी, पहला पुरसा मैं किसने दिया था, बेटी को बाप ने दिया था पहला पुरसा। जब अली आए थे उस वक्त किनारे चलो वो सब नाटक करते हुए पड़े किनारे पहुंचे। अब्बास जैसे जरी का लाशा, अब्बास जैसे तवील कामत का लाशा, ये लाशा भी टुकड़ों में बटा है। कहा मौला ये लाशा क्यों टुकड़ों में बटा, कहा आधा कोई बंदा जीना था कि शहादत के बाद तलवारों से हजरत अब्बास के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा मौला ये लाशा कैसे उठेगा, इमाम ने अपनी अबा बिछाई, लाश के टुकड़ों को समेटा, कब्र में उतरते लगे। बनी असद से कहा जरा तुम उठ जाओ, मुझे अपने चचा से कुछ बात करनी है। एक बार चचा के सीने पे सीना रखा, कहा चचा अगर आप होते तो फूफी की चादर न छूटती, चचा आप सकीना को बहुत चाहते थे ना, लेकिन सकीना तमाचे खाती हुई सफर पर नहीं है। आपको पता है जब भी तमाचा लगता है वो रात की तरफ रुक करके आपको आवाज देती है। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारे सलीम सी इबादत को कबूल करना, हाथों को बुलंद करके परवरदिगारा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमा, इन आंखों पर रहमत नाज़िल फरमा, इनके आंसू हमारे सजदा की सीधर पर दे जा रहे। आने वाले अजादार इसको पे आजाद सब पे रखा, सख्त गुनाह ने कबीरा और सगरा को माफ फरमा, हर माँ बाप और मदरसे से महफूज फरमा, हमारे बच्चों को दीन और दुनिया की सआदत नसीब फरमा। कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के, गमे हुसैन कभी हमारे दिलों से कम ना हो, मातम हुसैन।